अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनराइज। मैं हूं शहनाज और आज हम इस तरह की बूटीज बनाएंगे जिसको बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। इसको मैंने 4-ply वूल से 10 नंबर नीडल से बुना है। बड़ा छोटा आप ये बना सकते हो। ये साइज नंबर 7 और 8 वालों के लिए है। अगर आप इसको छोटा बनाना चाहते हो तो 8 स्टिच जो है वो कम कर दीजिए, और अगर बड़ा बनाना चाहते हो तो 8 स्टिच ऐड कर लीजिए। बहुत ही इजी है। चलिए जल्दी से हम इसको बना लेते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। आइए अब हम जल्दी से इसको बना लेते हैं। फंदे डालने का तरीका जो है वो कुछ इस तरह से ही है। सबसे पहले हमें इस तरह से वूल को लेना है और जो है इसको बड़ा सिरा एक तरफ कर लेंगे, और यहाँ से 2 उंगलियों की मदद से हम इस तरह से एक लूप बनाएंगे और नीडल में उसको ऐसे डाल देना है। ये वाली जो साइड है इसको टाइट किसी चीज में लपेट लेते हैं। उंगलियों की मदद से वूल को इस तरह मोड़ते जाएं और फंदे बनाते जाएं। 61 फंदे हम बनाएंगे। आइए अब हम इसकी बुनाई कर लेते हैं। बुनाई कुछ इस तरह से करनी है। ये फर्स्ट जो फंदा है इसे बिना बुने ही हमें उतार लेना है और अगले फंदे से हम बुनाई शुरू करेंगे। सीधा सीधा हमें बुनना है। ये फर्स्ट रो हमारा कंप्लीट हो गया है, और यहां पर देखें लास्ट का जो स्टिच है इसे हमें इस तरह उल्टा करके बुनना है, और जब भी हमें रो को शुरू करना है और इसी फंदे को हमें बिना बने उतार लेना है ताकि साइड से जो है वो चेन बन सके, अच्छी फिनिशिंग हो जब हम इसको स्टिच करें। तो इसी तरह हमें सीधा सीधा बुनते जाना है और 6 रो बना लेने हैं। तो मैं इसे कंप्लीट करती हूँ फिर आके बताती हूँ। अभी ये लाइन देखें, 1, 2, 3 इस तरफ नजर आती हैं और 3 ही ये इस तरफ हैं, 1, 2, 3। अभी हमें क्या करना है फ्रेंड्स, 24 फंदे हमें इस तरफ छोड़ने हैं और 24 फंदे हमें इस तरफ छोड़ने हैं। बीच के फंदे जो होंगे वहां पर हमें फंदों को बढ़ाना है। वो हमें किस तरह से करना है ये देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये देखें ये 24 फंदे हैं और यहां पर हम एक मार्कर लगा लेंगे। ऐसे और ऐसे ही हमें इस तरफ भी करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और एक मार्कर हम इस तरफ भी लगा लेंगे। ऐसे अभी जो बीच के फंदे हैं यहां ही हमें फंदों को बढ़ाना है। ये देखें एक हमने बुन लिया, 2, 3, 4 21, 22, 23 और ये 24। ये 24 फंदे हमने बुन लिए हैं और यहां पर हमें एक फंदा इस तरह से बढ़ा लेना है, और मार्कर को फिर से हम इस तरफ कर देते हैं और यहां से एक फंदा जो है वो हम बुन लेंगे ऐसे, और फिर से हमें एक फंदा बढ़ा लेना है और एक बुन लेना है। एक फंदा बढ़ा लेना है, एक बुन लेना है, एक फंदा बढ़ा लेना है, एक बुन लेना है। इसी तरह हम बीच के फंदे जो हैं बढ़ाएंगे।
ये जो 24 फंदे हैं ये हमें इसी तरह बुनने हैं, इसमें कोई भी फंदा जो है बढ़ाना नहीं है। लास्ट का स्टिच जैसा कि मैंने आपको बताया है इसे उल्टा करके ही बुनना है। ये देखें बीच के फंदे जो हैं वो हमारे बढ़ चुके हैं। अभी 24 फंदों की बुनाई हम फिर से करेंगे। ये देखें जी ऐसे। अभी यहाँ पर देखें फ्रेंड्स कि जो फंदे हमने बढ़ाए हैं उनको हमें किस तरह से बुनना है ताकि बीच में जो है वो होल ना रहे, उसे हमें इस तरह से पीछे से उठाना है। ये देखें ये ऐसे है, इसको पीछे से ऐसे उठाएंगे और ये देखें यहाँ से ऐसे इसको नीडल में लेना है फिर से, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको बुनेंगे ऐसे। अभी ये देखिए फिर से पीछे से हम ऐसे फंदे को लेंगे और ये वाला जो हिस्सा है इसे फिर से नीडल में उतार लेते हैं, ठीक है। तो इसे बुन लेंगे पीछे से ऐसे उठाएं और ये वाले नीडल को इस तरह से इसमें डाल लें। चाहे तो आप इस तरह निकाल कर फिर से इसको ऐसे बुन सकते हैं। पूरे फंदे जो हमने बढ़ा रखे हैं वो इसी तरह हम बुनेंगे। जितने भी हमने फंदे लपेट कर बढ़ाए हैं वो सारे आपको इसी तरह बुनने हैं। ये देखिए इस तरह से और मार्कर को हम फिर से यहीं पर लगा लेते हैं, ठीक है। तो आगे के जो फंदे हैं वो हमें ऐसे ही बुन लेने हैं, इसमें हमें कोई भी जो है फंदा बढ़ाना नहीं है। अभी हम बीच के फंदे फिर से बढ़ाएंगे और 24 फंदों की बुनाई कर लेते हैं। ये देखें जी इस तरह से। और यहां पर फिर से हमें फंदों को बढ़ाना है। एक फंदा हम यहीं पर बढ़ा लेंगे ऐसे और फिर हम एक एक फंदा जो है वो बुनते जाएंगे और एक एक फंदा जो है बढ़ाते जाएंगे। वो देखें ऐसे अभी इस मार्कर की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि आगे हमने फंदे बढ़ाने नहीं है। अभी ये जो 24 फंदे हैं इसे हमें ऐसे ही बुन लेना है।
ये देखिए ये 24 फंदों की बुनाई हमने कर ली है। ये देखिए ये फंदे को हम घुमाकर जो है नीडल में लेंगे और फिर बुन लेंगे। ये देखिए जैसे मैंने आपको पीछे बताया है वैसे ही, ये देखिए यहां से हम इस तरह से नीडल में इसको ले लेंगे। अभी ये देखें ये जो 24 फंदे हैं इसे हमें इसी तरह बस बुन लेना है। अभी ये टोटल फंदे जो हैं वो 103 हो गए हैं। अभी हम डिजाइन बनाएंगे ये वाला, तो देखिए हमें किस तरह से वो बनाना है। उसके लिए हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला जो फंदा है इसे बिना बुने ही उतारना है और तीन फंदे हम ऐसे उल्टे बुनेंगे। और टोटल जी 4 फंदे हो गए हैं और 3 फंदे सीधे बुनेंगे। एक फंदा उल्टा बुनेंगे, 3 सीधे बुनेंगे, 1 उल्टा बुनेंगे, 3 सीधे, 1 उल्टा, 3 सीधे। एक उल्टा, 3 सीधे। एक उल्टा और 3 सीधे फंदे बुनते हुए हमने एक रो जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अभी यहां पर देखें लास्ट में हमारे पास 4 फंदे बचे हैं जैसे कि शुरू में थे, तो इन 4 फंदों को हम इस तरह से उल्टा ही बुन लेंगे और लास्ट का जो स्टिच है उसे हमें इस तरह सीधा करके बुनना है। तो ये डिजाइन का फर्स्ट रो हमने बना लिया है। अभी सेकंड रो बुनते हैं। सेकंड रो में हमें फंदों को जैसे हैं वैसे ही बनाना है। ये स्टिच निकाल लेंगे और ये देखें यहाँ पर 3 फंदे सीधे आएंगे तो इनको सीधा ही बुन लेंगे ऐसे, और 3 फंदे यहाँ पर उल्टे हैं तो इनको उल्टा बुनेंगे, और 1 फंदा सीधा है इसे सीधा बुनेंगे, 3 उल्टे और 1 सीधा। इसी तरह इस रो को हम पूरा करेंगे। अभी ये देखिए लास्ट में 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। और एक जो फंदा है वो हमें हमेशा सिलाई के उल्ट बुनना है, यानी सीधी सिलाई में उल्टा और उल्टी सिलाई में सीधा। ये दूसरा रो हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम डिजाइन डालने के बाद तीसरा रो बुन रहे हैं और यहाँ पर देखें सेम फर्स्ट रो की तरह ही हमें बुनना है। ये देखें ये 4 फंदे जो है वो हमने बुन लिए हैं और अभी 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। और 1 फंदा उल्टा बुनेंगे,
तीन सीधे बुनेंगे। एक उल्टा, ये इस तरह से दिखाई देंगे और पूरे रो को हमें इसी तरह बुन लेना है। मैं यहां तक इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। अभी आ जाते हैं उल्टी तरफ और ये चौथा रो है जो दूसरे रो की तरह हम बुनेंगे। सीधे फंदों को सीधा और उल्टे फंदों को उल्टा बुनना है। एक सीधा और तीन उल्टे। तो इसी तरह से इस रो को भी पूरा कर लेते हैं यहां तक। अभी आ जाते हैं सीधी तरफ और सीधी तरफ देखें ये कुछ इस तरह से नजर आएंगे। तो ये डिजाइन को शुरू करने से पहले ही हमें ये चार रो बुनने हैं, बीच में इनको रिपीट नहीं करना है हमें। अभी ये देखें हमें किस तरह से डिजाइन को आगे बनाना है। ये तीन फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं। अभी ये जो तीन फंदे सीधे हैं इसके बीच का जो यहाँ का एरिया है यहाँ से हमें स्टिच उठाने हैं। बुल को इस तरफ करेंगे और ये देखें एक दो और तीन, तीसरा जो स्टिच है उसके बीच में से हमें इस तरह नीडल को लेना है और एक लंबा स्टिच जो है वो इस तरह से निकाल लेंगे। ये तीनों स्टिच हमने सीधे सीधे बुन लिए हैं। जहां से हमने स्टिच को निकाला है एक बार फिर से हमें वहीं से नीडल को इस तरह से लेना है और एक लंबा स्टिच जो है वो निकाल लेना है ऐसे। अभी यहां पर आपको पांच स्टिच नजर आएंगे और धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये जो उल्टा हम स्टिच बुन रहे थे इसको उल्टा ही बुनना है पूरे डिजाइन में। धागे को दूसरी तरफ करेंगे और ये देखें ये एक स्टिच को छोड़ा, दो को छोड़ा और ये तीसरे की ये जो जगह है यहां से हमें लंबा स्टिच निकालना है ऐसे और तीन स्टिच बुन लेने हैं और फिर से वहीं से ये देखें वहीं से हम फिर से नीडल को निकालेंगे और इस तरह से एक लंबा स्टिच ले लेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और उल्टे फंदे को उल्टा बुन लेंगे। ये देखें एक दो तीन, तीसरे स्टिच के बीच में से लंबा स्टिच इस तरह से निकाला, तीन स्टिच बुने और फिर से हमें वहीं से नीडल को निकाला और ये देखें एक लंबा स्टिच हमने और निकाल लिया। उल्टे फंदे को उल्टा बुनेंगे और ये देखें एक बार फिर से एक दो तीन, ये तीसरा स्टिच है जहां से हम लंबे स्टिच को निकालेंगे। बहुत ही इजी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें वहीं से जहां से हमने स्टिच को लिया था वहीं से नीडल को फिर से इस तरह घुमाकर अगला स्टिच निकाल लेना है। तो ये इस तरह से नजर आएंगे। पूरे रो को हमें इसी तरह बनाना है। मैं यहां तक इसको कंप्लीट कर लेती हूँ और लास्ट में देखें हमारे पास चार फंदे जो हैं वो बचे हैं। तीन को हम इस तरह से उल्टा बुन लेंगे
और एक फंदे को हम सीधा करके बुनेंगे। तो इस तरह से ये रो हमारा पूरा हो जाएगा। और अभी उल्टी तरफ देखें हमें क्या करना है। उल्टी तरफ हमें सेम जैसे फंदे आएंगे वैसे ही हमें बुनना है। सीधे फंदे हैं तो उनको सीधा बुनना है। ये देखिए ये सीधे फंदे आ रहे हैं तो तीन फंदे हम सीधे बुन रहे हैं। बस चेंज यही है, ये जो हमारा स्टिच है ये वाला, इसको हमें बिना बुने निकालना है। धागे को अपनी तरफ करेंगे और बिना बुने इसे उतार लेंगे और आगे के जो तीन स्टिच हैं उन्हें हमें उल्टा ही बुन लेना है। और आगे वही लॉन्ग स्टिच है और इसे हमें इस तरह से निकाल लेना है बिना बुने। धागे को दूसरी तरफ करेंगे और ये सीधा स्टिच है, इसे सीधा करके बुन लेंगे। ऐसे धागे को अपनी तरफ करेंगे, एक स्टिच को बिना बुने निकालेंगे और बाकी के तीन स्टिच हम बुन लेंगे उल्टे। ये देखें ये वही स्टिच फिर हम बिना बुने निकालेंगे। धागे को दूसरी तरफ करेंगे, एक फंदा जो है वो सीधा करके बुनेंगे। फिर से एक स्टिच को बिना बुने निकाल लिया और तीन स्टिच को हमने उल्टा बुन लिया। और ये स्टिच वही जो लॉन्ग स्टिच है इसको बिना बुने ही हमें निकालना है। इस रो में एक फंदा सीधा और इसी तरह हमें पूरे रो को बुनना है। दो लॉन्ग स्टिच बिना बुने और एक स्टिच सीधा करके और तीन स्टिच उल्टे, इसी तरह बुनेंगे और पूरे रो को यहाँ तक बुनते हैं। ये देखें ये इस रो के लास्ट के स्टिच हैं, तीन फंदे उल्टे बुन लिए, एक को हमने बिना बुने निकाल लिया और धागे को दूसरी तरफ किया और लास्ट में चार फंदे जो बचे हैं तीन हम सीधे सीधे बुन लेंगे, एक को हम उल्टा करके बुनेंगे। और ये रो हमारा इस तरह से खत्म होगा। अभी सीधी तरफ आ जाते हैं, सीधी तरफ देखें हमें किस तरह से इस रो को बनाना है। इस फंदे को हम बिना बुने निकालेंगे और तीन फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। अभी ये जो फंदा है इसको हमें इस तरह से निकालना है और ऐसे इसको फिर से नीडल में डाल लेना है और पीछे से ऐसे हमने इसको बुनना है। और अभी हमें क्या करना है ये देखें, इसको हम इस तरह से दोनों फंदों को, ये दो फंदे हैं, ऐसे इसको लेंगे और ये देखें पीछे से ये यहां से हम इसको नीडल में लेंगे और नीडल को बाहर निकालेंगे। ये देखें ये पीछे का फंदा आगे आ गया है और आगे का फंदा जो है वो पीछे चला गया है। इस तरह करके हमें दो का एक कर देना है। उल्टे फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे और धागे को पीछे की तरफ करेंगे। ये वाले फंदे को निकालना है, ये वही लॉन्ग स्टिच है और इस तरह करके नीडल में डाल लेना है और यहाँ पर हमें दो फंदों को एक कर देना है और अगले स्टिच को फिर से बुन लेना है। और ये देखें इस तरह दोनों फंदों को हमने ये रख लिया ऐसे और ये देखें पीछे से हम ऐसे करेंगे तो आगे का फंदा पीछे और पीछे का फंदा आगे आगे आ जाएगा। तो इस तरह करके हमें इसको बुन लेना है। अगर आपको ये मुश्किल लगे तो फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं, पीछे का फंदा आगे करने के लिए और आगे का फंदा पीछे करने के लिए। ये देखें ये इस तरह से इनको निकालें और
ये वाले फंदे को आप इस तरह नीडल में ले लें, ये निकलेगा नहीं, और इसको आप इस तरह से नीडल में ले लें, ठीक है। तो इस तरह भी आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। ये दोनों तरीकों से आप इसको बना सकते हो। ये देखिए, मैं आराम से इनको जो है नीडल में निकाल देती हूँ, और ये वाला फंदा जो है वो हम इस नीडल में उतार लेंगे, और ये वाले फंदे को उठाएंगे ऐसे, और इसको ऐसे डाल देंगे। तो इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। चाहे तो दोनों फंदों को एक साथ उठा लीजिए, ऐसे, या फिर दोनों को अलग अलग करके बना लीजिए। तो इस तरह इसको पूरे रो को यहां तक बना लेते हैं। इस तरह से ये रो कंप्लीट हो गया है। अभी हमें जो रो बुनना है उसमें हमें जैसे फंदे आ रहे हैं वैसे ही हम इसको बुनेंगे। ये देखिए, ये तीन सीधे फंदे हैं और इन्हें सीधा ही हम बुनेंगे। और ये तीन उल्टे फंदे हैं, इनको उल्टा ही हम बुनेंगे। एक सीधा फंदा, तीन उल्टे, एक सीधा, तीन उल्टे, इसी तरह इस रो को पूरा करेंगे। तो इसे पूरा करते हैं यहां तक। लास्ट के ये चार फंदे हैं, तीन हम सीधे बुनेंगे और एक को हमें उल्टा बुनना है। ये देखें जी, ये रो हमारा इस तरह से कंप्लीट होगा। अब हम फिर से डिजाइन को दोहराएंगे। ये चार रो का ही डिजाइन है। आगे की जो पहले हमने चार रो बुने थे वो डिजाइन को शुरू करने के लिए थे। अभी यहां पर फिर से देख लें, तीन स्टिच हम उल्टे बुन लिए हैं। यहां पर देखें फ्रेंड्स, अभी हमें एक, दो, तीन, ये वाला स्टिच जो है तीसरा, यहां से हमें स्टिच को लेना है, लॉन्ग स्टिच को ऐसे। और अभी ये जो तीन स्टिच हैं ये हम बुन लेंगे। बुनाई सेम ही है, बस ये देखें स्टिच हमें इस तरह से लेने हैं। अब ये देखें ये दोनों कितने नजदीक हैं। चार रो का ही ये डिजाइन है। ये देखें, एक, दो और ये तीसरा, ये देखें, एक, दो और ये तीसरा। यहां से तीन स्टिच जो है डाउन हमें नीचे आना है, और फिर एक लॉन्ग स्टिच को ले लेना है। ये देखिए, जहां से हमने स्टिच को लिया था वहीं से फिर से एक लॉन्ग स्टिच ले लेंगे ऐसे, और उल्टे फंदे को उल्टा बुन लेना है।
ये देखिए, एक दो और ये तीसरा। तीन स्टिच बुनेंगे सीधे, जहां से पहले स्टिच लिया था वहीं से फिर से हम लॉन्ग स्टिच ले लेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और उल्टा कंधा बुन लेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से डिजाइन जो बार बार रिपीट होगा, तो हमें ऐसे ही इसको आगे बुनते जाना है। और ये देखें, इस डिजाइन को हम एक दो तीन चार 5 बार दोहराएंगे। ओके, तो दिखने में ये एक दो तीन चार पांच छह नजर आएगा। ठीक है, तो हम इसे जो है बना लेते हैं और फिर मैं आगे आपको बताऊंगी। ये देखें जी, मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। अभी हमें दो सीधी सिलाइयां बुननी हैं। ये दो रो हमने सीधे सीधे बुनकर कंप्लीट कर लिए हैं। अभी आगे देखिए कि हमें क्या करना है। ये देखिए, अभी ये कुछ इस तरह से नजर आएगा इस साइड से। अभी हमें क्या करना है, बीच के जो 7 फंदे हैं वो हम बुनेंगे। वो हमें किस तरह से करना है वो देखें। 48 फंदे हम इस तरफ रखेंगे और 48 फंदे हम इस तरफ रखेंगे, और बीच के जो 7 फंदे होंगे वो हम बुनेंगे और फिर आगे उनको बढ़ाएंगे और 13 फंदे कर लेंगे। वो देखिए हमें किस तरह से करना है। यहां से शुरू करते हैं गिनना, दो तीन चार पांच छ सात 43 44 45 46 47 48। ये देखें, ये 48 फंदे हैं जो हमने बुन लिए हैं। अभी हमें आगे एक दो तीन, ये 7 फंदे हैं जो हमें बार बार बुनने हैं, और साथ ही साथ हम यहां से 2 फंदे कम करेंगे, यहां से दो, एक फंदा यहां से कम करेंगे, एक यहां से कम करेंगे, और इनको बीच में मिलाते जाएंगे, 13 फंदे कर लेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पूरे फंदे हैं 103, 103 में से 7 हमने माइनस किए और जो बाकी बचे उनका हाफ कर लिया। तो आपको भी इसी तरह करना है, जितने फंदे होंगे यहां पर 7 रखने हैं, 7 फंदे हम उसमें से माइनस कर देंगे, जो बाकी के बचेंगे उनका हाफ करके आधे इस तरफ और आधे इस तरफ रख लेने हैं। तो आइए अब हम आगे 7 फंदे जो हैं वो बुन लेते हैं। एक दो तीन चार पांच छः सात, और यहीं से हम फिर से टर्न कर जाएंगे इस तरफ को, और फिर से हमें 7 फंदे बुन लेने हैं। एक दो तीन चार पांच छः सात, ये देखें, ये बीच के 7 फंदे हम बुनेंगे। और उससे पहले मैं आपको यहाँ पर गिनकर बता देती हूँ कि ये भी फंदे 48 ही हैं। एक दो तीन
चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस, ठीक है। और चौबीस ही ये इस तरफ भी है। अभी हमें क्या करना है, एक फंदा हम इस तरफ से मिलाएंगे, एक इस तरफ से मिलाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर दो फंदों का हम एक भी कर देंगे ऐसे। ये देखिए अभी बीच के फंदे हमारे आठ हो गए हैं। अभी हम आठ फंदों की बुनाई करेंगे। दो तीन चार पाँच छ सात ये आठ, अभी बीच के फंदे आठ हो गए हैं। और एक इधर से मिलाएंगे दो फंदों का एक करके, ये आपको जो है इस तरह से कर लेना है अगर पीछे का फंदा जो है वो टाइट निकले। ये देखिए अभी बीच के फंदे नौ हो गए हैं। अभी नौ फंदों की हम बुनाई करेंगे। एक ये दो हो गए हैं, तीन चार पाँच छ सात आठ और ये नौ। अभी एक और मिला लेंगे साथ में यहाँ से। पीछे से ही आपको इस तरह से जो है दो का एक करना है। इस तरह से इसकी जो शेप आएगी उसे ही आएगी। अभी ये दस हो गए हैं, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये दस। फिर से हमें यहाँ दो का एक करना है और इसे साथ में मिला लेना है। ये देखिए ये शेप इसकी इस तरह से गोलाई में आएगी। ये देखिए ये जो एरिया है ये इस तरह से बनेगा। अभी यहीं से फिर से टर्न करेंगे और दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और ये ग्यारह। अभी बीच में ग्यारह फंदे हो गए हैं। अभी हमें फिर से यहाँ से दो का एक कर देना है इस तरह से। और फिर से टर्न करेंगे। दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और ये हो गए बारह। अभी बीच के फंदे जो हैं वो हमारे बारह हो गए हैं और एक फंदा जो है वो हम और लेंगे। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छ, अब बीच के फंदे तेरह हो गए हैं। यही तेरह फंदे हम आगे बुनते जाएंगे।
अभी हमें और फंदे बीच में नहीं बढ़ाने हैं। अभी देखें वो किस तरह से करेंगे। दो हो गई, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, ये बारह, और ये जो तेरहवां फंदा है ना, अब इसके साथ हम ये वाले फंदे को मिलाएंगे ऐसे, क्योंकि आगे अब हमें फंदों को बढ़ाना नहीं है। तो यहीं से फिर से टर्न करेंगे और बारह फंदों की बुनाई करेंगे, तेरहवां जो फंदा होगा उसके साथ एक फंदा मिलाएंगे और दो का एक कर देंगे। अभी सारी बुनाई हम इसी तरह करेंगे। ये देखिए, ये तेरहवां फंदा है तो इसी के साथ हमें एक फंदा इधर से मिला लेना है। अभी बीच में आप देखें, ये तेरह फंदे ही हैं, ये तेरह फंदे ही हमें बार बार बुनने हैं। फिर से हम इस तरफ आएंगे और दो का एक करेंगे इस फंदे के साथ मिलाकर, ठीक है, ऐसे। और फिर यहाँ से बुनाई करेंगे तो इस फंदे को मिलाएंगे साथ में इसके साथ, ठीक है। तो इसी तरह हम इसको बुनते जाएंगे और ये आगे की तरफ इस तरफ जो है बंद होता चला जाएगा, ठीक है। जब हमारे पास यहाँ पर छः फंदे जो है इस तरफ और छः फंदे इस तरफ रह जाएंगे, फिर हम ये वाला हिस्सा जो है वो बनाएंगे, ठीक है। तो मैं पूरा इसे यहाँ तक बंद कर देती हूँ, जब छः फंदे रह जाएंगे तो फिर आपको आगे बताऊंगी कि क्या करना है। तो मैं इसे कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए जी, पूरे फंदों को हमने बंद कर दिया है। अभी छः फंदे हमारे इस तरफ बचे हैं और छः ही इस तरफ बचे हैं। अभी हमें क्या करना है, अभी बीच के फंदों को भी हम कम करेंगे, वो देखें हमें किस तरह से करना है। ये देखिए, एक बार आप फिर से देख सकते हैं, इस तरह से दोनों तरफ से जो है फंदे छः छः हमारे पास बचे हैं। यहाँ से बुनाई अब हम शुरू करेंगे फिर से, जैसे हम पीछे करते आ रहे थे, और दो और ये चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ और दस। अभी यहाँ पर देखें, जब हमारे पास पीछे तीन फंदे रह जाएंगे, फिर हमें ये वाले फंदों का भी दो का एक करना है, और जो यहाँ पर हम कर रहे थे इस फंदे के साथ ये वाला फंदा मिलाते थे, तो यहाँ पर भी हम दो का एक करेंगे। तो यहाँ पर अब हमारे दो फंदे कम हो गए हैं, पहले हम एक ही फंदा कम कर रहे थे, अभी दो हो गए हैं। अभी देखें, इस तरफ भी हमें इसी तरह करना है, इसको बुनते जाएंगे। लास्ट में जब हमारे पास तीन फंदे रहेंगे, जो बीच के फंदे हैं वो वाले में बोल रही हूँ, तीन फंदे, ये देखें ये वाले, अभी ये देखें ये तीन फंदे रह गए हैं, और यहाँ पर ये दो का भी हम एक कर देंगे, और जो साइड से कर रहे थे इसके साथ मिलाकर ये वाला, तो इसका भी कर देंगे। तो इस तरह से हमारे बीच के फंदे भी कम होते चले जाएंगे। तो ऐसे ही आपको करते जाना है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये आपको तब शुरू करना है जब छह छह फंदे दोनों साइड पे होंगे और तेरह फंदे आपके बीच में होंगे। फिर आपको ऐसे ही बुनाई करनी है कि बीच के फंदे जो लास्ट में तीन रह जाएंगे, तो उनका दो का एक कर देना है, और एक फंदे को इस तरह दूसरे फंदे के साथ मिलाकर साइड वाले के साथ दो का एक कर देना है, ठीक है।
एड़ी के लिए जगह भी बच जाएगी और जैसे हमें आगे स्टिचिंग करनी है तो उस तरफ को हमारा धागा भी चला जाएगा। अभी ये देखिए, तो साथ ही साथ इसको भी ले लेंगे। तो ये जो यहां तक फंदे हैं हमारे, ये सारे हम कम कर लेते हैं, फिर मैं आपको आगे बताती हूं कि क्या करना है। अभी यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास बीच में तीन फंदे हैं और एक एक फंदा हमारा साइड पर है। अब यहाँ पर हमें किस तरह से करना है ये देखें, ये वाला जो फंदा है इसे हम जैसे उतार रहे थे बिना बुने, ऐसे ही इसको उतार लेना है और ये वाले फंदे को इस फंदे के साथ मिलाकर दो का एक कर देंगे, ठीक है। और अभी देखें, ये वाले फंदे को हमें इसी तरह करना है, ये देखें, इसको बिना बुने इसी तरह उतार लेंगे और ये वाले फंदे का हम दो का एक कर देंगे। अभी यहां पर देखें, ये वाले फंदे को बिना बुने उतारेंगे और ये वाले फंदे के साथ हम इस तरह से दो का एक कर देंगे। अभी ये देखें, ये लास्ट में दो फंदे हमारे पास बचे हैं और दो का एक करेंगे और साथ ही साथ हम ये वाले जो धागा है इसको इतना काट कर लेंगे जितनी इसकी स्टिचिंग हम कर सकें और इसी के बीच में से हमें पूरे जो धागा है उसे पास कर देना है, बस इस तरह से इसको निकाल देना है। ये देखें, ये इस तरह से यहां से शेप बन जाएगी और इसी धागे के साथ हम ये वाले एरिया की स्टिचिंग भी कर लेंगे। तो आइए अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। अभी यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, इसकी स्टिचिंग जो है वो हम सीधी तरफ से करेंगे, उल्टी तरफ से नहीं करनी है। और ये देखें, ये जो स्टिच है इन्हीं के बीच में से हमें स्टिच उठाने हैं, वो देखें किस तरह से। ये देखें, ये जो दो स्टिच हैं यहाँ पर, इसी के बीच में से ऐसे हम स्टिच लेंगे। अभी देखिए, यहां से लेंगे, ऐसा हमें यहां शुरू में करना है और आगे ये देखें, ये दो स्टिच है ना, तो इसी के बीच में से ऐसे हमें स्टिच लेना है। और ये देखें, ये दो स्टिच हैं और इसी के बीच में से ऐसे स्टिच को ले लेंगे। दोनों तरफ से ऐसे हमें बस स्टिच उठाते जाना है और इसको सिलते जाना है। बहुत ही ज़्यादा आसान है और यहाँ से पता नहीं चलेगा जब आप स्टिच कर लोगे कि यहाँ पर स्टिचिंग की गई है। ये देखें, ये दो स्टिच है ना, ये देखें इनके बीच का जो एरिया है यहाँ का, ठीक है, ये देखें यहाँ दो स्टिच हैं
और इसके बीच के ये वाला जो एरिया है यहाँ से हम स्टिच उठा रहे हैं। अभी दूसरी तरफ से देख लें, ये देखें एक स्टिच यहाँ पर है जहाँ से हमने पहले जो धागा निकाला था, एक ये है, ये जो बीच की जगह है ये देखें, ऐसे ये बीच की जगह हम ऐसे उठाते हैं। तो बस इसी तरह से स्टिच उठाते जाएं और इसको सिलते जाएं। ये देखिए यहां से हमने सुई को निकाला है और जब हम यहां से, ये देखिए यहां से स्टिच को इस तरह से ले लेंगे तो वहीं से फिर से सुई को निकालना है। ये देखिए यहां से निकाला था, वहीं से हम सुई को फिर से अंदर की तरफ धकेलते हैं और फिर बाहर की तरफ, और इस तरह इसको खींच देते हैं बाद में। और ये देखें यहां से बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि यहां पर स्टिचिंग की है। तो मैं यहां तक इसको सिल देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से नजर आएगा और इसकी फिटिंग जो है वो लूज रहेगी, ज़्यादा टाइट ये नहीं होगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करें और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।